आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रफली डिफाइन कर सकते हैं रफली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है गिवन एरिया से, उस चीज को हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ओके, हम देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक चार्ज ले लेते हैं। कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में। मान लो स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्पेस में मान लेते हैं, और हमने किसी पर्टिकुलर एरिया से फाउंड करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो हम एक सरफेस, ये हमने सरफेस ले लिया, और ये सरफेस है ना जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए, एरिया वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा सरफेस के। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, हमने ऐसा सरफेस लिया है बिल्कुल पैरेलल है इन फील्ड लाइन के, मतलब इन फील्ड लाइन के पैरेलल है इसका सरफेस वेक्टर। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जितना इसका एरिया है। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटू एरिया, एरिया से जो जितना इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली। लेकिन अगर यही सरफेस परपेंडिकुलर ना होने के बजाय पैरेलल हो, अब हमारा सरफेस कुछ इस तरह का है कि जिसका एरिया वेक्टर डी ए इस इन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, नहीं हो रही ना। तो यहाँ फाई ज़ीरो आना चाहिए, यहाँ फाई ज़ीरो आना चाहिए। साई से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, हम साई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया हमने एरिया से, तो आ जाएंगे हमें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही। पर इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो पास हो रही है, एरिया इसका भी है, एरिया भी दोनों का बराबर है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही लेंगे हम। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम एरिया से, तो कुछ कॉस टर्म आ जाएंगी, कॉस थीटा, ई डॉट ए क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा। अब इसका कॉस थीटा क्या शो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कॉस एंगल। अब यहाँ कितना एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पैरेलल था, यहाँ 0 डिग्री का एंगल था, तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल लेंगे हम, ई ए कॉस 90 डिग्री आ जाएगा 0, और यहाँ ई ए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई। तो हमें ई डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी पास हो रही है किसी गिवन एरिया से, तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ। तो फ्लक्स हमेशा डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी गिवन एरिया से। ठीक है, ओके, अगर हम मान लो बिल्कुल पैरेलल परपेंडिकुलर लेंगे 60 डिग्री के एंगल पे ले लेते हैं, तो हमने तीसरा सरफेस नहीं लिया, ये थोड़ा सा टेंटेड है, ये इसका जो एरिया वेक्टर है डी ए और ये फील्ड लाइन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में क्या आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 60 डिग्री का एंगल है तो ई ए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि थोड़ी कम आ जाएंगी कॉस 60 डिग्री, इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे, इस केस में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इससे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही इस गिवन एरिया से, और इसके केस में थोड़ा टिल्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास हो रही है। तो हमें फिजिकली समझ आ रही है ये बात कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ, तो हमें
पता चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसी डॉट प्रोडक्ट को हम साई साई से डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0Q/r2। एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम एयर का कुछ अलग वैल्यू होंगी, वाटर की कुछ अलग वैल्यू होंगी, पर हम चाह रहे हैं ये पूरा एनालिसिस मीडियम से इंडिपेंडेंट बनाना। कोई जो मर्जी मीडियम हो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम पास होंगी। तो हम डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए के बजाय, हम ऐसा ई के बजाय कुछ एक हमें नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो मीडियम पे डिपेंड ना हो, जो कि मीडियम पे डिपेंड ना करे। उस टर्म को हम बोलते हैं डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कब मिलती है हमें? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को। अब जब हम दोनों टर्म को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा ना। तो ये टर्म जो कि डी है, इसमें कोई एप्सिलॉन नॉट टर्म नहीं आ रही है। तो ये डी टर्म है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेंगी। शो फिजिकली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कर रहा है, ये डी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, पर डी में एप्सिलॉन नॉट टर्म नहीं आएंगी, इसलिए ये टर्म मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उसको हम शो करते हैं साई, साई से। साई क्या होता है? इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन करेंगे हम ओवर दैट एरिया, ठीक है, पूरे सरफेस की हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस टर्म को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो हम इसको बॉक्स में ले लेते हैं। तो हमें अगर पता लगानी होगी किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी को इंटीग्रेट करेंगे एरिया के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उस एरिया से, और उसी टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंपल केस लेते हैं पॉइंट चार्ज का, उसके कारण कैलकुलेट करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा किसी एरिया में। अब हमने ये पॉइंट चार्ज ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स नापनी है थ्रू अ सर्कल, सर्कल और एरिया ले लेते हैं, मतलब एक स्पेरिकल एरिया, क्योंकि थ्री डायमेंशन में होगा कि एक स्पेरिकल स्पीयर ड्रॉ कर लेंगे हम इस पॉइंट चार्ज के चारों की तरफ। हमने कैलकुलेट करना है कि उस स्पेरिकल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ड्यू टू डिस्चार्ज, वो कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हमने एक स्पेरिकल एरिया बना दिया, हमने इस स्पेरिकल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है वो कैलकुलेट करना है। अब ये स्पेरिकल जो एरिया है ये है डिस्टेंस आर पे, इसका डिस्टेंस है आर, यहाँ से ये डिस्टेंस हमने लेते हैं आर डिस्टेंस, ठीक है, आर रेडियस है इसका, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है साई इज इक्वल टू डी डॉट डी एस, इसकी इंटीग्रेशन। अब ये क्लोज सरफेस है तो हम क्लोज सरफेस को हम
इस तरह से डिनोट करते हैं सर्कल बना के, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब आपको ये चीज़ पता चल रही होंगी, अब ये चीज़ तो आपको पता चल रही होंगी, ये क्योंकि सिमेट्री का एरिया है पूरा, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, चार्ज से सेम है, आर डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो हर पॉइंट पे डी भी सेम होगा। डी क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, डी एप्सिलॉन नॉट ई है। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हर पॉइंट पे डी भी सेम है। वेक्टर तो एरो भी शो कर देते हैं, वेक्टर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर है, ये चीज़ शो करना इंपॉर्टेंट है। और दोनों का, दो वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो साई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है, एक स्केलर फील्ड है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फील्ड है। जो डी है एक वेक्टर फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी है ये एक वेक्टर फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर फील्ड है, ठीक है। तो हमें साई कैलकुलेट करना होगा, तो हमें ये आर्गुमेंट दे सकते हैं हम कि डी हर पॉइंट पे सेम होगा, डी हर पॉइंट पे सेम होगा। और जो डीएस है, डीएस क्या शो कर रहा है? जो ए इन्फिनेटली स्मॉल एरिया है, इस चीज़ को 3D में इमेजिन करो, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो डीएस क्या शो कर रहा है? जो एक स्मॉल एरिया है इस पे, तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होती है। डीएस की जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, इस डायरेक्शन में होगी। ई किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ना। तो डॉट प्रोडक्ट डी, तो डी भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ई होंगी उसी डायरेक्शन में डी भी होगा। तो डी और डी एस के बीच में, डी और डी एस के बीच में एंगल कितना है? जीरो, क्योंकि पैरेलल है, एंगल जीरो है। तो डी डी एस कॉस थीटा, इनका डॉट प्रोडक्ट में कॉस टर्म आएंगी, तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड, अगर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, डी का मैग्नीट्यूड डी एस कॉस 0 डिग्री क्या आ जाएगा? 1। तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, डी डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया, इसकी जगह मल्टीपल टर्म आ गई, ठीक है। और दूसरे हमने आर्गुमेंट ये दिया कि जो डी है सेम होगा हर जगह, डी अगर सेम होगा हर पॉइंट पे डी सेम होगा, तो वेरी क्या होगा? इंटीग्रेशन हम सिर्फ डी एस की होंगी, तो साइज जो आ जाएगा ये आ जाएगा डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या शो कर रहा है? टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 बाई आर स्क्वायर। तो साई क्या आ जाएगा? डी इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया ये होता है, ओके। अब डी की वैल्यू क्या होती है? डी है एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म हट जाएगी, R² × Q, ठीक है। डी की वैल्यू ये होती है 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन R², ठीक है। तो वो यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? साई आ जाएगा क्यू सिंपली, क्योंकि डी 4 पाई R² 4 पाई R² कट जाएगा आपस में, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो साई क्या आया? क्यू। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रिक, साई क्या शो करता है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है गिवन एरिया से, वो किस पे डिपेंड करें? कि चार्ज पे। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी गिवन एरिया से। अगर यहाँ क्यू चार्ज है, क्यू के बजाय हमने अगर 2 क्यू चार्ज लिया होता तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती, अगर 3 क्यू चार्ज लिया होता तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती यहाँ से, ठीक है, ओके। अब हमने कैलकुलेशन के लिए पूरा स्पेरिकल एरिया लिया था। अगर मान लो ये एरिया स्पेरिकल नहीं है, स्पेरिकल एरिया के बजाय एरिया हम कुछ इस तरह का मान लेते हैं, डैम कुछ इस तरह का एरिया है,
प्योर स्फीयर नहीं है, तो क्या फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी? वेदर दिस विल चेंज, आप सोचो इस चीज़ को इंट्यूटिवली, चेंज हो जाएंगी। साई क्या डिनोट कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ट्रैवल हो रही है इस चार्ज के कारण, वो तो सेम होगी। जितनी फील्ड लाइन यहाँ से ट्रैवल होगी वो टोटल एरिया से निकलेगी निकलेगी। अब एरिया चाहे हमने स्फेरिकल ले लिया चाहे कुछ और ही शेप ले ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जितनी यहाँ से आ रही है, जो भी मान लो यहाँ आ रही है, यहाँ से भी उतनी पास होंगी और यहाँ से भी उतनी पास होंगी। इसका मतलब है कि हम एरिया जैसा मर्जी ले लें, चाहे हम स्फेरिकल ना ले, जैसा मर्जी ले, हमने ऐसे ले लिया या फिर कुछ और एरिया ले लेते हैं, हमें ये ट्रायंगुलर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम क्रॉस होंगी थ्रू अ टोटल एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सेम आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट विल नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ एरिया, किस शेप का एरिया है, ये हमेशा सेम होगा, ये हमेशा सेम होगा चाहे जैसा मर्जी एरिया हो। ये सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज क्यूब पे कि कितना चार्ज है उस एरिया के अंडर, और यही हमारा गॉस लॉ है। गॉस लॉ यही कहता है, गॉस लॉ की मैथमेटिकल देखें हम तो क्या होगा, साई जो हमारा साई है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी डॉट डी एस, ठीक है, तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, यही हमारा कॉस लॉ है, ठीक है। कि जैसा मर्जी एरिया ले हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्यू पे ही डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है उस एरिया के अंदर, तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, चार्ज अंडर दैट एरिया, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ। और ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है, ओके। और अगर हमने यहाँ तो चलो सिंगल चार्ज लिया था क्यू, अगर हम मल्टीपल चार्ज नहीं लेते, ये तो क्यू लिया, Q1 Q2 Q3 मल्टीपल चार्जेस नहीं लेते, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट समेशन ऑफ क्यू आना था, फाइव उस केस में क्या आ जाना था, समेशन ऑफ क्यू, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कॉम्यूटेटिव होता है ना, जस्ट सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है कि सबके कारण जो फील्ड होगी वो ऐड कर सकते हैं हम, तो उस केस में अगर मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो समेशन ऑफ क्यू आना था, सभी चार्ज का हमने सम ले लेना था, ठीक है, ओके। तो ये हमारा गॉस लॉ है, डी डॉट डी एस इसका इंटीग्रेशन ओवर काउंट सरफेस इज इक्वल टू क्यू। अब ये इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ की, अब इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गॉस लॉ है, अच्छा, तो हम डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, अब हम इस टर्म में डी डॉट डी एस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी डी वी और वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसा। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने ये वेक्टर कैलकुलस में स्टडी की होगी, अगर आपने वेक्टर कैलकुलस का कोर्स किया होगा या बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ स्टडी की होगी कि हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम डाइवर्जेंस लें उस वेक्टर का, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। अब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ा इसका, कि ये वॉल्यूम क्या है और ये सरफेस क्या है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इस डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ में तो नहीं जाऊँगा, ये तो वेक्टर कैलकुलस का सब्जेक्ट है, पर इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो ये सरफेस दिखा रहा है ना, इसमें हमने गोला बनाया हुआ है, गोले का मतलब है ये सरफेस क्लोज्ड है, तो हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। क्या मतलब इसका, क्या जैसे हम क्लोज सरफेस ले लेते हैं कि ये स्पीयर है, ये एक क्लोज स्पीयर है, 3D में इमेजिन करो ये सर्कल नहीं है, ये एक स्पीयर है, तो एक स्पीयर एक क्लोज सरफेस है,
अगर हमने यहाँ डी इस क्लोज सरफेस पे डी वेक्टर है, डी वेक्टर है, डी वेक्टर की इंटीग्रेशन करनी है इस क्लोज सरफेस में, तो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डाइवर्जेंस लें डी का और वॉल्यूम का साथ इंटीग्रेट करें, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ, तो वन एंड सेम थिंग होगी। ये वॉल्यूम क्या है, वी क्या वॉल्यूम है, इस टोटल स्फीयर की जो वॉल्यूम है, ये पूरी वॉल्यूम, इस पूरी वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है हमने, जो पूरी वॉल्यूम है स्फीयर की, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे डाइवर्जेंस को, तो वन एंड सेम थिंग होगी। ये क्या था डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये सरफेस क्लोज्ड है तभी गोला लगाया है, और ये जो वॉल्यूम है इस क्लोज सरफेस के अंदर की वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमने तो हम डी डॉट डी एस टर्म को हम इस टर्म से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्यू को, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज को भी हम क्यू है, चार्ज को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में, रो वी डी वी और इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम। रो वी क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज लेने के बजाय हम अगर चार्ज डेंसिटी लें, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, चार्ज कितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट होगा चार्ज पर मीटर क्यूब। तो अगर इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कितना चार्ज पर मीटर क्यूब है, उसकी इंटीग्रेशन अगर हम वॉल्यूम में करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू को भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस टर्म की जगह ये पुट करेंगे और क्यू की जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो हम गॉस लॉ को ये टर्म पुट करने के बाद कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया हमने, डेल डॉट डी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है, डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट सेम चीज़ है, इसी चीज़ को हमने वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, गॉस लॉ ही है, ठीक है। तो हमें अब हम यहाँ ले आते हैं ये टर्म, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी माइनस रो वी डी वी इज इक्वल टू 0, इस टर्म को इस साइड है सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि डेल डॉट डी माइनस रो वी इस टर्म की हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम चाहे जैसी मर्जी हो। अब यहाँ हमने कोई स्पेशल केस तो डिस्कस नहीं किया, हमने जनरल वॉल्यूम नहीं है, हमेशा 0 आएंगी उसकी वैल्यू, वो वॉल्यूम चाहे स्पेरिकल वॉल्यूम हो, चाहे क्यूबिकल वॉल्यूम हो, चाहे इन्फाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम होगी, जैसी मर्जी वॉल्यूम होगी, ये टर्म जो है हमेशा 0 आएंगी। क्या बना, डेल डॉट डी माइनस रो वी इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आई, ठीक है। तो ये भी गॉस लॉ ही है, गॉस लॉ से किया ना हमने आगे डेरिवेट, ये भी गॉस लॉ ही है, ये गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। और जो हमने पहले इक्वेशन डिस्कस की थी डी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू, ये भी गॉस लॉ था, ये इंटीग्रल फॉर्म में था, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। ये दोनों गॉस लॉ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, गॉस लॉ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप बहुत बार इनकाउंटर करेंगे आगे भी, मैक्सिमम इक्वेशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन यही है, गॉस लॉ की जो मैथमेटिकल टर्म है यही है मैक्सिमम इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, ओके। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो गॉस लॉ कहता गया है इससे क्या क्या फिजिकली आप सेंस कर रहे हैं कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
किसी पर्टिकुलर एरिया क्लोज सरफेस से जो पास हो रही है वो हमेशा क्यू पे ही डिपेंड करेंगी कि कितना चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर, उस पे डिपेंड करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उस एरिया से पास हो रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है गॉस लॉ। ठीक है, अब गॉस लॉ के हम कुछ प्रैक्टिकल केसेस देख लेते हैं, कुछ सिमिट्रिकल केसेस स्टडी कर देते हैं कि हम कैसे हम गॉस लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख के केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी होंगी वो कैलकुलेट करेंगे हम विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। अब ये हम चार्ज स्फीयर ले लेते हैं, एक ये एक चार्ज स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज सारे में। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अंदर, कि इस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ये आर वन डिस्टेंस ले लेते हैं कि एट एट डिस्टेंस आर वन, और हमने बार कैलकुलेट करनी है। इस डिस्टेंस को हम आर टू डिस्टेंस ले लेते हैं, एक पॉइंट कोई पॉइंट बाहर है इस चार्ज स्फीयर के, वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और कोई पॉइंट अंदर है वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन दोनों केसेस के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो पहले हम बाहर कैलकुलेट करते हैं कि बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा यहाँ, और गॉसियन सरफेस लेंगे हम, वहाँ पे हर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगी तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr² से। ठीक है, क्या कहता है हमारा गॉस लॉ? हमारा गॉस लॉ का कहता है कि d dot ds क्लोज सरफेस क्या आ जाएंगी, क्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो हमने ये मैंने परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाया, लेकिन आप मान के चलो ये परफेक्ट स्फीयर है, और हर पॉइंट का डिस्टेंस आर टू ही है, यहाँ से सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस आर टू ही है। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्री आर्गूमेंट दें, सिमेट्री आर्गूमेंट दें, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पूरे जो हमारा चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, हर पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये हो सेम डिस्टेंस है इसके सेंटर पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। इस चीज़ को हम बोलेंगे सिमेट्रिक आर्गूमेंट। इस चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दूंगा मैं, ये इंट्यूटिवली सेंस हो जाएगी ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेम होनी चाहिए, यानी कि डी भी सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, और जो डीएस वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो इसी डायरेक्शन में होंगी, तो डॉट डॉट डीएस जो आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डीएस वेक्टर ले लेते हैं और ये डी वेक्टर ले लेते हैं, पैरेलल होगा, तो डॉट डीएस क्या आ जाएगा, सिंपल मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, तो डी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय सरफेस, सरफेस का इंटीग्रेशन कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πr² ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी एक चार्ज स्फीयर चार्ज शेल के कारण, स्फेरिकल शेल के कारण किसी भी पॉइंट पे आउटसाइड, क्यू अपॉन 4πr² कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम सिंपली कैलकुलेट कर ही सकते थे, जैसे हम ग्रेविटेशनल के केस में कैलकुलेट करते थे हम। आपने आपने जैसे +1 +2 में कैलकुलेट किया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप सेंटर ऑफ मास ले लेते थे, सेंटर ऑफ मास ले लेते थे, और सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते थे। ऑल्दो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन न्यूटन को भी इस चीज़ को प्रूव करने में, उस टाइम गॉस लॉ नहीं था न्यूटन के टाइम में, उस चीज़ को ये चीज़ प्रूव करने में कि हम पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ये चीज़ प्रूव करने में 25 साल लग गए। अगर उसके टाइम में गॉस लॉ होता था वो सिंपली शो कर सकता था,
मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करना मुश्किल था कि सेंटर ऑफ मास नहीं सकते, लेकिन गॉस का गॉस लॉ के कारण, अगर न्यूटन को गॉस लॉ पता होता तो सिंपली वो उसको 25 साल अपने जाया नहीं करने पड़ते। ठीक है, ओके, चलो हमने ये यहाँ R2 पे तो निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें R1 पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। R1 क्या है कि इसके अंदर कोई पॉइंट है। अब ये भी आप सिमेट्री आर्गुमेंट लगा के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये मान लो ये आप पूरा स्फीयर ले लेते हैं, स्फेरिकल एरिया ले लो आप, इस पूरे स्फेरिकल एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, सेम होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये इसके जो ये हमारा शेल है इसके करोस्पॉन्डिंग सिमेट्री है इस पूरे शेल की। तो यहाँ भी जो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर सबका डिस्टेंस सेम है, सबका डिस्टेंस R1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ भी हम यही अपना गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो D.ds इज इक्वल टू Q, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा डी इंटू डी एट R2, इसको DR2 लिख देता हूँ मैं, DR1 लिख देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, 4π R1² इज इक्वल टू चार्ज, कितना चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, इस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर तो Q चार्ज था, पर इस सरफेस के अंदर जो इस स्फीयर शेल के अंदर है सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है 0 है, क्योंकि सारा चार्ज तो इस शेल के, इस सर्कुलर एरिया के बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि D R1 4π R1² इज इक्वल टू 0, Q इस केस में क्या है 0, तो D@R1 क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर ही होंगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएंगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बाहर जितना मर्जी चार्ज हो, चाहे यहाँ कितना मर्जी कूलम चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर ही होंगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम ग्राफ बना देते हैं, इस चीज़ का कि ग्राफ के नीचे शो करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर हम स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं, स्फीयर का रेडियस स्फेरिकल शेल है आर है, तो आर डिस्टेंस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और एट इस डिस्टेंस को मान लो आर डिस्टेंस आर, और एट आर डिस्टेंस पे सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड राइज करेंगी, और उसके बाद कैसे बैरी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड R² इस तरह से बैरी होंगी, तो हम डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होंगे, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगी और उसके बाद इस तरह से डिके होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये मल्टीपल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं बोल रहा हूँ, डी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोले जा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलने को लंबा है। ठीक है, मतलब ये कि फिजिकली आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से वेरी होंगी आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होंगी। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कोई कॉमन बात नहीं है कि इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, चाहे किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, चाहे ये पॉइंट ले लो ये ले लो, इस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर ही होंगी। इस चीज़ के बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि बाहर जितना मर्जी वोल्टेज हो, बाहर जितनी मर्जी चार्ज हो होगा, अंदर कोई चार्ज, अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही आएंगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही आएंगी, जितना मर्जी चार्ज होगा बाहर, हम जितना मर्जी चार्ज दें, इस परफेक्ट स्फीयर है तो चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जब पर कोई भी परफेक्ट मैटेलिक शेल होगा उसमें चार्ज हमेशा अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर पॉइंट पे 0 ही आएंगी। अगर ये
ये हमारा शेल है, अगर इसमें हम हाई टेंशन की वायर भी गिरा देते हैं, मान लो 22 KV की वायर भी गिरा देते हैं, 22 KV की, तो भी जो अगर इसमें कोई बंदा बैठा होगा, मान लो मैं इसमें बैठ जाता हूँ अंदर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेंगे ही नहीं। ये मैटन का स्फीयर है। आप सोचो, जो मैटन मेटल एक किसी भी चीज़ को, मैं अगर कोई हाई टेंशन वायर गिर जाए, आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट झटका लगेगा, आप 1 सेकंड में मर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस स्फेरिकल शेल में बैठे होंगे तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अपने आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाए और 0 आ जाए, अंदर आपको कोई झटका नहीं लगेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस चीज़ का प्रैक्टिकली यूज़ भी होता है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं फेराडे केज। एक माइकल फेराडे डिवाइस जी ने एक डिवाइस बनाई थी, फेराडे केज। फेराडे केज ऐसे ही केज, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंदर आदमी बैठ जाए, बाहर जितनी मर्जी हाई वोल्टेज हो, अंदर उस पर्सन को कोई असर नहीं होगा उस चीज़ को। उस चीज़ को हम फेराडे केज बोलते हैं, और इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि जो अंदर वाला एरिया है वो शील्डेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। ये गौर करने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होनी चाहिए, अगर फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो वो पास कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस शेल को पास कर सकती है। अगर हम 22 KV की, मान लो 22 MHz की कोई रेडियो वेव है, 22 MHz की कोई रेडियो वेव्स है, वो इस चीज़ को पास कर जाएंगी। अगर आप यहाँ कोई बंदा बैठा होगा और रेडियो सुनना चाह रहा होगा तो सुन सकता है वो रेडियो इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको पास कर जाएंगी, लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसी पास नहीं कर पाएंगी इसको। जितने करीब कोई फ्रिक्वेंसी 0 के होंगी, जैसे मान लो 50 Hz की फ्रिक्वेंसी है, जो बिजली है 50 Hz की थी, वो पास नहीं करेंगी, क्योंकि 50 Hz की फ्रिक्वेंसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, अप्रोक्सीमेटली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मान सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो यहाँ हाई वोल्टेज की 50 Hz की फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ इस पर पड़ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर, आपको कोई झटका नहीं लगेगा, ठीक है। पर हाई, ये बात गौर करने वाली है कि हाई फ्रिक्वेंसी इस चीज़ को पास कर जाएंगी। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए शील्डिंग नहीं देगा, ये शील्डिंग सिर्फ देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, जो डीसी फ्रिक्वेंसी होंगी, डीसी होंगी या फिर कोई लोअर फ्रिक्वेंसी है, उससे शील्ड करेगा आपको ये स्फेरिकल मैग्नेटिक शेल। अच्छा, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप रोड पे चले हुए, ठीक है, अचानक से बिजली गर्जना स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ बिजली गरज रही है, आप रोड पे, आप अपनी कार में चल जा रहे हैं, चलो कार में ड्रॉ कर ही देता हूँ, ये लो आपकी कार बना दी मैंने, अब कार में जा रहे हैं आप सड़क पे, अचानक से बिजली गरजना स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज बिजली गरज रही है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए बचने के लिए? आपके ऊपर बिजली ना गिरे तो कहाँ को जाना चाहिए आपको, कहाँ को भागना चाहिए आपको? क्या आंसर होगा इस चीज़ का? आंसर होगा सबसे सेफ जगह है, अगर बिजली गरज रही है कार में ही बैठना चाहिए आपको, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गॉस लॉ आपको बचा लेगा। ये जो कार है आपकी, ये जो कार है, ये भी एक फेराडे केज का काम करती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, पर ये जो आपकी कार होती है उसमें मैटेलिक शीट लगी होती है, ठीक है, तो आस पास थंडर बोल्ट हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो वो आपकी कार में क्रॉस नहीं करेगा, जो मेटेलिक शीट है वो अंदर क्रॉस नहीं करने देंगे। तो सबसे सेफ जगह है, जब भी थंडर स्टॉर्म हो रहा है आप कार में बैठे रहो, आपको गॉस लॉ बचा लेगा, आपके काम आ जाएगा गॉस लॉ उस टाइम, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन आए प्रैक्टिकली कभी लाइफ में, तो आप कार में बैठे रहना, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, बस लास्ट में आप एक बार ये चीज़ रिवाइज कर लो, ये जो दो इक्वेशन है गॉस लॉ की, डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म, ये गौर करने वाली है, ये चीज़ आपको टिप्स पे आ जानी चाहिए, ये आगे बहुत जगह यूज़ होंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स।